नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मौसम समाचारों में। वेदर अपडेट, दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश, यूपी बिहार सहित इन राज्यों में है हाई अलर्ट। मौसम का जाने ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक सुबह सुबह मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। दोस्तों उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की फुल्की बारिश तो कहीं झमाझम बरसात हुई। दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के अधिकतर इलाकों में आंधी और तूफान के साथ बारिश हो रही है। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार तड़के ही मौसम ने करवट बदल ली थी। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश के कारण कई इलाकों में पेड़ गिर गए और बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। वहीं दोस्तों बारिश की वजह से कई फ्लाइट रोकनी पड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों से अनुरोध किया कि अपनी फ्लाइट की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, बिहार, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि, इसके साथ ही यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते बदलते मौसम से लू से राहत और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे में पश्चिमी हिमालय और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की गतिविधियां भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों उत्तर और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियों के साथ धूल भरी आंधी गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा में सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि दोनों राज्यों के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वह तूफान के समय घरों से बाहर निकलने से परहेज करें। मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान के अनुसार लोगों को सोमवार, मंगलवार को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। तो दोस्तों यह थी आज की मौसम संबंधी जानकारी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने राज्य और जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आने वाली वीडियोस में हम आपके राज्य और आपके जिले की खबरें भी प्रमुखता से दिखा सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।